हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है 30 जून 2022 और आज थर्सडे के दिन डेट प्लस बी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी लेटेस्ट अपडेट है वही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहां पर एक नई अपडेट देखने को मिली होगी आपको। आप देख सकते हैं यहां पर इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर पोस्ट कोड 90/09 ग्रेड सेकंड दास। तो ये अपडेट हम आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। कल हमने चैनल पर इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड की हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनका सबमिशन अगेन से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जिन 61,000 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था ग्रेड सेकंड दास के लिए, इस पोस्ट कोड के लिए 90/09 के लिए, तो फ्रेंड्स क्योंकि ये कोर्ट केस था और अब आप लोगों के फेवर में डिसीजन जा चुका है, तो आप यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले यहाँ अप्लाई किया हुआ था। आपका लिंक जल्द ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं, कल शाम में हमने उसे अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग फुल डिटेल इस वीडियो में चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अब जो बात है अडेंडम और कोरिएंडम के रिगार्डिंग, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये अपडेट हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। तो फ्रेंड्स, आइए अपडेट को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अडेंडम जारी किया गया है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 06/2022 के रिगार्डिंग। काइंड अटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट्स इज इन्वाइटेड टुवर्ड्स द एडवर्टीजमेंट नंबर 06/2022 एडवर्टाइज्ड बाय डेट 11/4/2022। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर थी 06/2022 जिनकी वैकेंसीज निकाली गई थी, ये 11 अप्रैल 2022 को एडवर्टाइज की गई थी। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। आप देख सकते हैं जो अडेंडम होता है उसमें कोई चीज ऐड की जाती है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग इज हियर बाय इंसर्टेड फॉर नॉन टेक्निकल एंड जनरल पोस्ट। तो क्या किया गया है यहाँ पर, इफ देयर आर टू आर मोर कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड बात बताई गई है कि जो यहाँ इंसर्टेड किया गया है, क्या इंसर्टेड किया गया है, नॉन टेक्निकल और जो जनरल पोस्ट है उसके रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि इफ देर आर टू आर मोर कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी हैविंग इक्वल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन फॉर नॉन टेक्निकल या फिर जनरल पोस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि दो कैंडिडेट अगर हैं और दोनों कैंडिडेट सेम ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके मार्क्स भी सेम आ जाते हैं, मतलब इक्वल मार्क्स आ जाते हैं उनके, सेम ही कैटेगरी के दो कैंडिडेट हैं, चाहे उन्होंने नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है चाहे वह जनरल पोस्ट के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या यहां लागू किया जाएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, वो डीट प्लस बी के द्वारा बताया गया है। फर्स्ट जो बात है फ्रेंड्स, द कैंडिडेट्स सीनियर इन एज इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, वो रहेगी कि जो कैंडिडेट सीनियर होगा यहां पर एज में, एज की सीनियरिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी तो उसको मेरिट लिस्ट में पहले जगह दी जाएगी, ठीक है, प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो अगर मान लीजिए दोनों की एज भी सेम हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आगे बताया गया है, इन केस वेयर द डेट्स ऑफ बर्थ आर आल्सो द सेम, मतलब बाय चांस उनकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, सीनियरिटी का यहाँ मसला ही ना रहे तो फिर क्या किया जाए, द कैंडिडेट वोज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन इंग्लिश इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो ऐसे सिचुएशन में जिसका नाम पहले अल्फाबेटिकली आएगा, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ काउंट की जाएगी तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, मेरिट में उसको पहले जगह दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो चेंज यहाँ किए गए हैं, ये इंसर्ट किया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन में एडवर्टीजमेंट नंबर 06/2022 के रिगार्डिंग, जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट डीट प्लस बी के द्वारा जारी की गई है उनके रिगार्डिंग ये यहाँ इंफॉर्मेशन जारी की गई है। और बाकी जो सारी चीजें हैं, रेस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 06/2022 शैल रिमेन अनचेंज्ड, बाकी सारी चीजें जैसे कि क्वालिफिकेशंस है या आपका सब्जेक्ट वगैरह है वो सारी चीजें अनचेंज रहेंगी। द इश्यू विद प्रियर अप्रूवल, तो इसको अप्रूव कर दिया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई अडेंडम की बात। आइए अब नेक्स्ट नोटिस को हम चेक कर लेते हैं जो कि एक कोरिएंडम है, यानी कि सुधार किया गया है, किस चीज में यहाँ सुधार किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। ये कोरिएंडम भी जारी किया गया है पोस्ट कोड 06/2022 and 12/2022 एडवर्टीजमेंट नंबर है 06/2022। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोस्ट कोड भी बताया गया है
06/2022 एंड 12/2022। इस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग कुरियंडम ये जारी किया गया, मतलब कुछ करेक्शन यहाँ की गई है, तो देख लेते हैं क्या करेक्शन है। काइंड अटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट्स इज इनवाइटेड टुवर्ड्स द पोस्ट कोड 06/2022 पोस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ये पोस्ट आपकी बताई गई है, जो पोस्ट कोड है 06/2022, ये है प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD, एंड पोस्ट कोड है 12/22, ये है बैक्टीरियोलॉजिस्ट दिल्ली जल बोर्ड की वैकेंसीज हैं DJB की। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका बता ही दिया गया है 06/2022, 11 अप्रैल 2022 को इनकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है देखिए, एट पॉइंट नंबर 4, एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2022 फॉर द पोस्ट कोड्स, ये आपके पोस्ट कोड है 06/2022 एंड 12/2022, कौन सी पोस्ट है ये आपकी बताई जा चुकी है फ्रेंड्स। द सिलेबस इन द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द वन टीयर टेक्निकल 300 मार्क्स 3 hours has been mentioned inadvertently as, जैसे कि सेक्शन बी MCQs on the subject concerned as per the qualification prescribed in the recruitment rules of the post 100 marks। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा गया था देखिए, ये बोला गया था यहाँ पर कि जो MCQ है on the subject concerned as per the qualification prescribed in the recruitment rules of the post। तो इसको इस नए तरीके से अब आपको रीड करना है, which may be read as under, ठीक है, इसको कैसे रीड करना है आपको, सेक्शन बी MCQs on the subject concerned as per the qualification prescribed in the recruitment rules of the post 200 marks, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको इस तरह से इसको रीड करना है, ये कोरिएंडम जारी किया गया था। और अडेंडम क्या किया गया है, सिलेक्शन ऑफ मोड कैसे बताया गया है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज और अभी के लिए बस इतना ही, D++B के द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट जारी की गई थी वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड्स न्यू में आपकी ये जो 10th grade के रिगार्डिंग अपडेट आई थी ये हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। लेटेस्ट अपडेट में रिजल्ट नोटिस आपका 43/21 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग ये ईडोजियर की जो भी अपडेट आई थी वो भी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं फ्रेंड्स, और ये आंसर की इसकी हम आपको बता चुके हैं। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट D++B के द्वारा जारी की जाती है साथ ही साथ हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।